नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पद्मावती फिल्म को लेकर एक और विवादित बयान दिया है। उमा भारती ने एक खुला पत्र जारी करते हुए एसिड अटैक करने वालों को अलाउद्दीन खिलजी का वंशज करार दिया है। इसके पहले उमा भारती ने ट्वीट कर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर अपनी आपत्ति जताई। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने ट्वीट करके लिखा कि रानी पद्मावती के विषय में तटस्थ नहीं रह सकती। मेरा निवेदन है कि पद्मावती को राजपूत समाज से न जोड़कर भारतीय नारी की अस्मिता से जोड़ा जाए। और अब उन्होंने एक खुला पत्र लिखकर एसिड अटैक करने वालों को अलाउद्दीन खिलजी का वंशज करार दिया है। दरअसल फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की बात को लेकर श्री राजपूत करणी सेना सहित कई संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि फिल्म में महारानी पद्मावती को अलाउद्दीन की प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वहीं चित्तौड़गढ़ के इतिहास को लेकर लिखी गई किताबों और किंवदंतियों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि महारानी पद्मिनी कभी अलाउद्दीन खिलजी से मिली हों। तो रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की मुसीबतें खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। उमा भारती के इस बयान के बाद खिलजी के इतिहास को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए indiafirst.online। नमस्कार। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड ऑल notifications ऑन योर मेल। प्रेस द बेल आइकॉन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट।